21 फरवरी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक जनता से आह्वान किया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा वापर कीजिए। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है। उसको देखते हुए मैंने 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजेश टोपे जी को, माननीय अशोक अनिल देशमुख जी को, मुंबई कमिश्नर चहल जी को और पुलिस कमिश्नर एक मिनट सिंह साहब को लेटर लिखने का काम किया। और हुक्का पार्लर जो कि बड़े धड़ल्ले से खासकर मुंबई में चल रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है और जिसकी वजह से एक ही रूम के अंदर सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं उसका सेवन करने का काम करते, एक सिंगल पाइप से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेवन का काम करने का काम करते, जिसकी वजह से ना सोशल डिस्टेंसिंग रहता है ना, और बाकी जो भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसका ख्याल रखने का काम किया जाता है। सारे जितनी भी गाइडलाइन है उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम किया जाता है। तो मैंने इन सारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, चाहे आपके हेल्थ मिनिस्टर हो, सारे लोगों को लेटर लिखने का काम किया था। उसके बाद में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनिल देशमुख जी का। उन्होंने बुधवार के दिन अपर हाउस में यानी विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर जो भी पुलिस स्टेशन के हद के अंदर अगर हुक्का पार्लर पकड़ा जाए, पीते हुए पकड़ा जाएगा रेड डालने के बाद में, सबसे पहले वहाँ के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से पुलिस के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर ने अपना काम किया, आपको आदेश देने का काम किया और ग्रास रूट पे उसका पालन करना अब आप लोगों का काम है। मेरी आप लोग से एक ही विनती है, जो होम मिनिस्टर ने विधानसभा में जो आश्वासन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई पुलिस आने वाले दिनों में उसका पालन करेगी। धन्यवाद। उन लोगों जो खास करके जो युवा पीढ़ी है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसको आजकल एक फैशन के तौर पे कि ये आयुर्वेदिक हर्बल हुक्का है, इस नाम से वापरने का काम किया जा रहा है, लेकिन कोई हर्बल हुक्का नहीं है, ये सब निकोटिन हुक्का है, जिससे आने वाले दिनों में आपके सेहत को काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी डिसीज़ है जिससे आपका सेहत ख़राब हो सकता है। आपको आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो मेरी आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप इस हुक्का का सेवन छोड़ें और अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दें। मैं आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके नज़र में कोई भी हुक्का पार्लर कहीं चालू दिखाई देता है तो आप बेधड़क मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब तक के हुक्का पार्लर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, मैं पीछे हटने का काम नहीं करूँगा।